जामिया नगर में गोली चलने की घटना पर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने बच्चों को कंप्यूटर और कलम दिए जबकि वे उन्हें दे रहे हैं बंदूक और नफरत। दिल्ली सरकार के एक स्कूल के छात्र के आईटी प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित करने वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने हिंदी में कहा, हमने बच्चों के हाथों में कलम और कंप्यूटर दिए हैं और आंखों में उद्यमशीलता के सपने वे दे रहे हैं बंदूक और नफरत। उन्होंने कहा, आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? 8 फरवरी को बताइएगा। जामिया नगर में बृहस्पतिवार को तब तनाव व्याप्त हो गया जब एक शख्स ने पिस्तौल से संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह पर गोली चला दी जिसमें एक छात्र घायल हो गया। इससे पहले वह पिस्तौल लहराता हुआ आया और चिल्लाकर कहा, यह लो आजादी। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया।